आ गई है विंटर स्पेशल गुड़ की गर्मा गर्म चाय। तो हेलो नमस्ते, मैं प्रिया आज अपनी किचन में बना रही हूँ गुड़ की चाय, वो भी इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी चाय कभी नहीं फटेगी गुड़ की। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप फॉलो कीजिए तो आपकी चाय हमेशा बेहतरीन और अच्छे टेस्ट के साथ बनकर तैयार होगी। तो मैंने लिया है ये गुड़ और ये अदरक का टुकड़ा। जितनी आप मीठी पीते उस हिसाब से आप गुड़ का यूज कर सकते हैं। मैं 2 कप चाय बना रही हूँ गुड़ की। तो मैंने ये रख दिया है पैन, अब उसमें मैं डालूँगी 2 कप भर के दूध। ये आ चुका है अपना 1 कप। ये आ गया अपना 2रा कप। दूध अच्छे से बॉयल हो जाए तभी इसमें गुड़ को डालना है। पहले कम गर्म दूध में गुड़ को बिल्कुल भी मत डालिए। ये मैंने डाली है 1 चम्मच भर के चाय पत्ती। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी चाय कभी नहीं फटेगी। ये मैंने डाल दिए इलायची, अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें। इसको उबाल आने तक गुड़ का वेट करेंगे डालने के लिए। अब ये उबाल आ चुका है दूध में। अब इसमें मैंने डाल दिया है गुड़। दो चम्मच भर के डाल दिया है। अब ये मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच अदरक पेस्ट। अदरक भी जब दूध उबल जाए उसके बाद ही डालनी चाहिए, नहीं तो चाय अपनी फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आ चुका है उबाल, थोड़ी सी चाय को टेस्ट करेंगे मीठा हुआ या नहीं। चीनी का नाप कर सकते हैं पर गुड़ का नाप नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ी कम मीठी चाय है, थोड़ा गुड़ और डाल दिया है। अब उबाल आने तक वेट करेंगे। ये आ चुका है अपना पहला उबाल। एक उबाल और आएगा। अब अच्छे से अपनी चाय बन चुकी है। अब इसको छन्नी की हेल्प से छान लेंगे। आपको मेरी चाय का टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जब आप घर में इस तरीके से बनाएं। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते।